डिवाइस है जो कि टाइम को मेजर करता है, इंटरप्रेट करता है और हमारे सामने उसको डिस्प्ले करवाता है, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि टाइम की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जिस चीज को ये मेजर करता है असल में वो है क्या, पर क्या है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, और टू बी प्रिसाइज व्हाट इज टाइम। अकॉर्डिंग टू साइंस, इस यूनिवर्स में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, टाइम उनकी सक्सेसिव स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, या यूं कहें कि टाइम की वजह से ही हम हर इवेंट की सक्सेसिव स्टेट्स को देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बॉडी इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट करती है, तो उस पोजीशन चेंज का ऑब्जर्वेंस या उस चेंज को ऑब्जर्व हम सिर्फ और सिर्फ टाइम की मदद से ही कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ और अगर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर चेंज करता हूँ, तो इस पोजीशन चेंज को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्योंकि टाइम हमेशा चलता जा रहा है। लेट अस इमेजिन, एक इंस्टेंट के ऊपर आप मानो कि टाइम रुक जाए, तो क्या आप मेरी इस पोजीशन से इस पोजीशन चेंज को कभी ऑब्जर्व कर पाओगे? ये पोजीशन चेंज टाइम की मदद से ही इंटरप्रेट हो रहा है और टाइम की मदद से ही आपको डिस्प्ले हो रहा है। लेट अस सपोज, अगर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उनको स्टॉप लग जाए। लेट अस सपोज, इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज अपनी स्टेट को चेंज कर रही है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना बंद कर दे, या यूं कहे कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की स्टेट चेंज रुक जाए, तो क्या हम कभी भी टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, या कोई भी पैमाना है टाइम को मेजर या ऑब्जर्व करने का? वेल, हम में से बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की रचना भगवान ने की है। अकॉर्डिंग टू साइंस इट्स अ बिग बैंग, बट एक्चुअल में फॉर्चुनेटली ये ट्रू हो भी सकता है, बिकॉज अभी तक ना हम उस डिवाइन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना ही उस डिवाइन एनर्जी की स्टेट टाइमलेसनेस को एक्सप्लेन कर सकते। So, the question is, क्या कोई भी ऐसी साइंस में लॉजिकल स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा फिजिकल प्रिंसिपल या लॉ प्रेजेंट है जो कि टाइम और गॉड जैसी इस डिवाइन पावर की रिलेशन को एक्सप्लेन कर सके? The answer is big yes. और इस वीडियो सेशन में बात होगी उसी रिलेशन, उसी साइंटिफिक स्टेटमेंट के बारे में। So, welcome to Vinci Sci-Tech and I'm your host जयदीप सिंह। Let's start the learning. Well, according to physics, Big Bang के बाद ही मैं, आप लोग, ये कमरा, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया था। उसी एक एक्सप्लोजन से हमें हमारा थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स मिला, जिसमें हर ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशंस में प्रेजेंट है और थ्री डायमेंशन स्पेस में ही मूव करता है। बट वेट अ सेकंड, अभी हमने कहा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स की रचना 13.7 अरब साल पहले हुई थी, यानी कि उसी समय टाइम भी एक्सिस्टेंस में आया था और उसी समय से टाइम रेगुलरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जा रहा है। यानी कि असल में कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पेस में थ्री डायमेंशंस में मूव नहीं करता, वो अल्टीमेटली स्पेस की थ्री डायमेंशंस के साथ टाइम डायमेंशन में भी मूव करता है, जो कि मिलकर बनाता है द स्पेस टाइम। एक्चुअल में स्पेस टाइम एक फोर डायमेंशनल ब्लॉक है जिसको हम कभी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माइंड 3D ऑब्जेक्ट्स को ही सोच सकता है। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स हमें थ्री डायमेंशनल लगता है, बट असल में ये फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम की फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, अगर आप कंफ्यूज है तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्पेस टाइम को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये बॉल है, यानी कि एक बॉडी है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट, अब ये बॉल अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है, अगर ये बॉल को मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करूं तो ये स्पेस में मूव करती है। अब एट द इंस्टेंट आप मानो कि ये बॉल अगर इसी स्टेट के ऊपर पूरे एक घंटे तक पड़ी रहे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये बॉल स्पेस में कहीं भी मूव नहीं की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्टिव में ये बॉल स्पेस में बिल्कुल भी मूव नहीं की, बट इस बॉल के लिए भी पूरा के पूरे 60 मिनट्स या पूरा एक घंटा पास हो गया। यानी कि ये बॉल चाहे स्पेस में मूव नहीं की, बट ये बॉल टाइम में डेफिनेटली मूव की है। इट मींस कि ये बॉल
स्पेस टाइम में मूव की है। यानी कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी भी रहे तब भी वो टाइम डायमेंशन में डेफिनेटली मूव करेगा, बिकॉज टाइम हर किसी के लिए पास होता है। स्पेस टाइम के इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अबाउट द एक्सिस रिवॉल्व कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट है वो अबाउट द सेंटर एक्सिस रिवॉल्व कर रहा है, और जो राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स की टू डायमेंशंस में प्रेजेंट है, ये टू डायमेंशंस में ही मूव कर रहे हैं। बट अगर हम थर्ड डायमेंशन टाइम को दे दें, यानी कि पूरे एक घंटे तक इनको रिवॉल्व करते जाएं, ऐसी ही पोजीशन में छोड़ दें, और जेड एक्सिस को हम टाइम की डायमेंशन में प्लॉट करते जाएं एक एक मिनट के इंटरवल के दौरान, तब ये बनेगा द थ्री डायमेंशनल स्पेस टाइम ऑफ 2D स्पेस विच इज शोन इन फ्रंट ऑफ यू। एक्चुअल में ये उन टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का थ्री डायमेंशनल स्पेस टाइम है, जिससे हमें एक बात पता लगती है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल है तो उसका थ्री डायमेंशनल स्पेस टाइम होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है जैसे कि हमारा यूनिवर्स या हर चीज, उसका जो स्पेस टाइम है वो फोर डायमेंशनल होगा। अगर आप स्क्रीन पे गौर से देखो तो जैसे जैसे वो बॉल्स मूव कर रही है वैसे वैसे टाइम भी मूव करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंस्टेंट के ऊपर उस 2D प्लेन में बॉल की एक पर्टिकुलर लोकेशन थी, तो जब उस बॉल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो उस पोजीशन चेंज के दौरान टाइम भी चेंज हो गया, यानी कि जेड एक्सिस में भी चेंज आया, जिसकी मदद से वो बॉल 2D प्लेन में मूव ना करते हुए 3D एक स्प्रिंग लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, जो कि उस ऑब्जेक्ट का स्पेस टाइम बना। तो अल्टीमेटली इस विजुअलाइजेशन से हमें एक चीज पता लगती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में मूव करता है तो उसके लिए टाइम में मूव करना जरूरी है, क्योंकि वो स्पेस टाइम में प्रेजेंट है। अब लेट अस सपोज कि हमने इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, जो कि एक फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम का ताना बाना है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एनर्जी को उस स्पेस टाइम या उस यूनिवर्स में से बाहर निकाल दें, तब वो चीज या वो एनर्जी इस स्पेस टाइम में से बाहर निकल जाएगी और वो कहलाएगी टाइमलेस स्टेट, जिसको हम एक गॉड की डेफिनेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम से ही बाहर निकल चुका है। तो अल्टीमेटली द मेन क्वेश्चन यहीं पर अराइज होता है, एक्चुअल में हम ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं, कौन सी साइंटिफिक स्टेटमेंट ये बताती है कि हम इसी यूनिवर्स में से किसी चीज को स्पेस टाइम में से ही बाहर निकाल दें। वेल, इसका आंसर सिंपल तो नहीं था, बट इसका आंसर हमें दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम इज ए रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हर बॉडी के लिए टाइम अपना अपना होता है, टाइम एब्सोल्यूट स्टेट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम उतना ही स्लो पास होगा एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट अस अस्यूम, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड की इक्वल वेलोसिटी के ऊपर मूव करे, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम की डेफिनेशन ही क्या रह जाएगी। हम मानते हैं कि वो इंसान या वो एनर्जी टाइम में ट्रेवल करने लगेगा, वेट ए सेकेंड, उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम तो स्टॉप ही हो जाएगा, टाइम तो उसी समय रुक जाएगा जब उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल पहुंचेगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, इसी डिस्कशन से हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग कंक्लूजन सामने आता है। लेट अस इमेजिन कि अगर कोई इंसान या कोई डिवाइन पावर या कोई भी पार्टिकल या बॉडी लाइट की स्पीड से इसी यूनिवर्स में मूव करे, तो उस पार्टिकल के लिए या उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम वहीं पर रुक जाएगा, टाइम स्टेशनरी हो जाएगा, टाइम कभी पास ही नहीं होगा, अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट टाइमलेस स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम गॉड डिफाइन करते हैं, या एक ऐसी स्टेट जिसमें कभी भी टाइम पास नहीं होगा। यानी कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स फोर डायमेंशनल स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है, और उसी एग्जिस्टेंस में से एक चीज बाहर निकली हुई है जो कि लाइट की स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, जिसके लिए टाइम रुक चुका है, टाइमलेस स्टेट अचीव हो चुकी है, और बाकी यूनिवर्स के लिए टाइम वैसा ही चल रहा है जैसा कि हम सबके लिए चल रहा है। और अल्टीमेटली यही वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, यही वो प्रिंसिपल है साइंस का, जो कि गॉड या टाइमलेस स्टेट का रिलेशन
विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सप्लेन करती है कि कैसे इस यूनिवर्स में होते हुए भी आप टाइमलेस स्टेट में एंटर कर सकते हो, बट आपके पास उस डिवाइन पावर या गॉड जितनी एनर्जी होने की जरूरत है जिससे आप टाइम ट्रेवल यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल मूव कर सको। दैट इज द रियल टाइमलेस स्टेट ओनली अचीव्ड बाय द गॉड। एज फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, इस वीडियो की कोशिश सिर्फ इतनी थी कि टाइम और टाइमलेस स्टेट यानी कि गॉड जिसको हम टाइमलेस स्टेट मानते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इस वीडियो का बिल्कुल भी ये लॉजिक नहीं था कि ये गॉड की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस के ऊपर, ये सब आप पर डिपेंड करता है। इस वीडियो का लॉजिक सिर्फ इतना था कि साइंस के पास एक ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, एक ऐसा लॉजिकल वे आउट है जिसे हम टाइमलेस स्टेट या जिसे हम गॉड की डेफिनेशन कहते हैं उसे एक्सप्लेन कर सके। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ भी मजा आया हो या माइंड बॉगल किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज ऐसा ही बहुत सारा माइंड बॉगलिंग कंटेंट इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी लाइक कर दीजिए, बिकॉज हम जानते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टाइम और टाइमलेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा अपने दिमाग को चटका सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।